हे दोस्तों, एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके सामने एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉल के बारे में। बहुत सारे गेमों में बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, पर वो किस तरह तैयार किए जाते हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो कोई ना कोई बॉल से खेला ही होगा। मालूम है एशिया में क्रिकेट बहुत खेला जाता है, तो उसका सीजन बॉल किस तरह तैयार होता है पहले जान लेते हैं उसके बारे में। तो जो क्रिकेट की बॉल होती है वो दोस्तों वो दो किस्म की होती है, एक वाइट कलर की एक लाल कलर की। वाइट कलर की जो बॉल होती है वो 4 पीसेस में बनी जाती है, और लाल कलर की जो बॉल होती है वो 2 पीसेस में बनी जाती है। प्रोसेस कुछ इस तरह है, लेदर को लिया जाता है, उसके बाद में 72 mm के गोल आकार में काट लिया जाता है बहुत सारे हिस्से। मशीन यानी कि डाई की मदद से इसको अंदर से दबा दिया जाता है, जिसके हिसाब से गोल आकार आ जाता है अंदर। उसके बाद में जो इसके साइड के हिस्से होते हैं उसको मशीन की मदद से साइड के हिस्से को सिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। उसके बाद में अंदर का जो हिस्सा होता है कॉक जो इसको बोलते हैं, उसको धागे से लपेट दिया जाता है, और दोनों हिस्सों के बीच में कॉक को रख के अपने हाथ से आदमी सीने लगते हैं। ये मशीन की मदद से नहीं होता है, ये हैंडमेड होता है और हाथ से ही इसको सीना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये सीरे है और किस तरह तैयार किया जाता है। ये हो जाने के बाद में इसको पॉलिश किया जाता है, पेंट किया जाता है, उसके बाद में जो मोरीग्राम है वो इसके ऊपर छाप दिया जाता है, यानी कि सिंबल जो रहता है वो छाप दिया जाता है। तो इस तरह से ये सीजन बॉल तैयार होते हैं। पिंग बॉल। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो पिंग बॉल से खेला ही होगा। बहुत ही हल्का और प्लास्टिक का बॉल होता है। पिंग बॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का लगता है, उसको पहले प्यूरीफाई किया जाता है, उसके बाद में उसकी एक प्लेन पतली पतली शीट बनाई जाती है, उसके बाद में 40 mm के डायमीटर पे पिंग बॉल के शेप को काटा जाता है। सेम प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद में इस मशीन की मदद से उसको प्रेस किया जाता है जिससे वो गोल आकार में आ जाता है। उसके बाद में जो बाजू के हिस्से एक्स्ट्रा होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं, फिर दोनों हिस्से को मिला के एक बॉल तैयार किया जाता है, उसके बाद में एक ग्लू से चिपका दिया जाता है जिससे वो निकले ना। चेक किया जाता है कि ये बराबर से चिपका या नहीं चिपका, उसके बाद में जो बॉल की कंपनी होती है उसका सिंबल दिया जाता है। बॉलिंग बॉल। बॉलिंग बॉल को 10-पिन बॉलिंग भी बोला जाता है, जिसमें 2 होल फिंगर के लिए होते हैं और 1 होल थंब के लिए होता है। इसको बनाया जाता है लिग्नम विटाइस मटेरियल से, जिसको हार्डवुड भी बोला जाता है। इसका किलो होता है कुछ 7 किलो 300 ग्राम, और ये पूरे 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉलिंग बॉल जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, पर ये जो है उस पर कलर कैसे कोडिंग किया जाता है, किस तरह इसको कलर किया जाता है, किस तरह इसको पॉलिश किया जाता है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पीटेंक्यू जो कंपनी है वो ट्रोइंग बॉल बनाती है जो ओलंपिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर धातु के जो हिस्से को होते हैं वो गोल आकार में काट लिया जाता है, उसके बाद में कप शेप दिया जाता है, उसके बाद में चेक किया जाता है कि ये जो हिस्सा है वो बराबर वजन में कटा या नहीं। जो गोल हिस्से होते हैं उसको निकल किया जाता है, उसके बाद में दोनों को ज्वाइंट करने के बाद में 2 हिस्सों को इसको शोल्डर किया जाता है।
उसके बाद में ये पूरे बॉल को निकल किया जाता है ज्वाइन करने के बाद में। उसके बाद में हमें सबको एक चमकदार लुक देखने को मिलता है। कंपनी का जो लोगो होता है उसको उसके बाद में डिज़ाइन किया जाता है इस बॉल के ऊपर। पूरे बॉल को एक ट्रे में रख दिया जाता है और आग में डाल दिया जाता है ताकि इसका जो लुक है और अच्छा हो जाए। उसके बाद में पूरे बॉल को पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। एक बार फिर से उसके वज़न चेक किया जाता है और उसको पैक करके मैन्युफैक्चर कंपनी से निकाल दिया जाता है ताकि वो सेल किया जाए। उससे पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसका डायमीटर चेक किया जाता है, उसके बाउंसिंग चेक की जाती है, सब परफेक्ट है या नहीं, उसके बाद में ही इसको रिटेलर तक सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना ना जाए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।